मासूम के साथ बेरहमी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। डूंगरपुर में दादा दादी ने तो अपने दो पोतों को घर से निकाल दिया। ये दोनों मासूम भाई 3 दिन से भूखे प्यासे बस स्टैंड पर भटक रहे थे। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, इसके बाद पुलिस इन बच्चों को थाने ले आई। डूंगरपुर के कोतवाली थाने में खड़े इन दो मासूम बच्चों को देखिए और सोचिए हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारी मानसिकता कैसी हो रही है कि मासूम बच्चों को पुलिस थाने में शरण लेनी पड़ रही है। दरअसल ये समाज में दरख्त रिश्ते की कहानी है, हमारे आपके असंवेदनशील होने की निशानी है। कहते हैं कि बच्चे दादा दादी के बेहद करीब होते हैं, लेकिन इसे क्या कहिएगा, बेरहम दादा ने इन दोनों मासूम पोतों को घरों से निकाल दिया। माँ बचपन में ही छोड़कर इन्हें कहीं चली गई, पिता अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं, लिहाजा दादा दादी ही जिंदगी का एकमात्र सहारा था। जिस उम्र में इन्हें दादा दादी का प्यार मिलता, उस उम्र में इन मासूमों को फटकार मिली, दुत्कार मिली। वो तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने 3 दिन से पुराना बस स्टैंड पर घूम रहे बच्चों के बारे में कोतवाली पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस दोनों भाई को थाने लाई। इन दोनों बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। बच्चों ने पूछताछ में बताया कि मेरी माँ बचपन से छोड़ के चली गई है, पिताजी अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं, तो अब इनको थाने में ले जाएंगे, इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपेंगे, आगे की कार्रवाई चाइल्ड हेल्पलाइन। हमारे समाज में रिश्तों की डोर इतनी कच्ची होती जा रही है कि मासूमों की जिंदगी भी अंधेरे तले पिसने लगी है। हमें समझना होगा कि यही मासूम कल के भविष्य हैं। अगर इन मासूमों की जिंदगी को संवारने में हम आगे नहीं आए तो हम सभ्य समाज के लोग कहलाने लायक नहीं होंगे। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।